आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक LRS को मैनुअली कैसे उतारा जाता है। इसके लिए हम लोग सब जो भी सामान लगेगा मैक्स पुलर से लेके चैनल से लेके सब लेके पहुँचे, क्योंकि ये शहर से लगभग 14 किलोमीटर पंप हाउस में पहुँचाना है। तो सबसे पहले हम लोग LRS का पानी को गिरा दिए हैं, लगभग इसमें 200 लीटर था, वो पानी को गिरा दिए हैं। गिराने के बाद हमने चैनल को फिट कर दिया है और LRS का ढक्कन को भी हटा दिया ताकि वो हल्का हो जाए। और उसके बाद हम लोग कुछ चैनल को वहाँ लगा के और ट्रक से मैनुअली से उतारेंगे। सबसे पहले LRS को आप देख सकते हैं हम लोग सामने की ओर ले आए हैं, उसके बाद इसमें चैनल फिट करेंगे। चैनल फिट करने के बाद अब धीरे धीरे इसे उतारा कैसे जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। इस LRS को उतारने के लिए हमने सामने की ओर 3 चैनल को लगाए हैं और पीछे रस्सी बांध करके इसे सपोर्ट में रखा है ताकि वो गिरे नहीं। रस्सी को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा और इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस कर किया जाएगा ताकि वो धीरे धीरे चैनल के द्वारा सरक के नीचे आ जाए। और जहाँ LRS रहना है वहाँ पर हम लोग उसे जाकर शिफ्ट कर देंगे, बैठा देंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार धीरे धीरे करके चैनल से LRS को नीचे उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ट्रक से यह उतर गया और इसे अभी रस्सी से बांध के अंदर की ओर ले आएंगे और जहाँ पे ये LRS को बैठना है उसी जगह हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे, बैठा देंगे। उसके बाद इसे हम लोग केबल कनेक्शन करेंगे और इसमें जो भी डिस्टिल वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट लगेगा उसे डाल दिया जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं LRS को बैठा दिया गया है और इसे बैलेंस करने के लिए इसे नीचे कुछ सपोर्ट दिया गया है ताकि LRS सीधा बैठ पाए। अगर सीधा नहीं बैठेगा तो इसका पानी लीकेज कर गिर जाएगा। आप देख सकते हैं लकड़ी का सपोर्ट देके इसे बैलेंस में बैठाया गया है और इस प्रकार हमने मैनुअली LRS को वहाँ शिफ्ट करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे और उसके बाद इसे केबल कनेक्शन किया जाएगा। इसका ड्रेन नट को हमने फाइनली टाइट कर दिया ताकि डिस्टिल वाटर गिरे नहीं, इससे पहले हमने इसे टाइट कर दिया।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।